नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमारा मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे का T20 का मैच है। तो इसमें लकी चांस आपके बहुत हो सकते हैं, कुछ नए प्लेयर्स भी हैं इसमें और जो प्रीवियस प्लेयर हैं कुछ उनको भी मौका दिया गया है इसमें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसके बाद आपको अपडेट मिलती रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिम्बाब्वे टीम है इसका ये पूरा स्क्वाड है वो है हैमिल्टन, मस्कज़ादा है कैप्टन है, सुलेमान मीर हैं, नेविल मैडविज हैं, ब्रेंडन टेलर हैं, सीन विलियमसन है, पीटर मूर है, एल्टन चिकुम्बरा है, टेंडा सिजोरा है, चाइल्ड जार्विस है, ब्रेंडन मवोटू है, क्रिस्पुर मफोफू, चम्बू चिबीबा और विलिंगटन मस्कज़ादा, मुस्कंदा और टेनाडी चतारा। तो ये हमारी है इसके लिए जिम्बाब्वे टीम। आफ्टर पोर बैटिंग शो इन ओडीआई सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे विल वांट टू चेंज देयर फॉर्चून इन T20। तो नेचुरली इन्होंने बहुत पोअर परफॉर्मेंस की थी और स्लो जो शो किया है इन्होंने अपना वो बिल्कुल ही बैड इंप्रेशन डाला है। जहाँ तक बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग इन्होंने अच्छी की थी लेकिन बैटिंग कोलैप्स बिल्कुल रहा क्योंकि इन्होंने साउथ अफ्रीका को ऑल आउट भी किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रन्स तक नहीं पहुँच पाए। जिम्बाब्वे ने मफोफू चिगबा और टी मस्कंदा को रिटर्न किया है स्क्वाड में और ये इनका है डिस्क्रिप्शन में, मैं इसका पूरा लिंक्स आपको डाल दूंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं डाल दूंगा इसके लिए, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं इसके लिए। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि जिम्बाब्वे की जो बॉलिंग थी वो टेरिफिक रही थी, ठीक है, सब ने अच्छा प्रदर्शन किया और दो मैचों में की सीरीज में साउथ अफ्रीका को दोनों बार इन्होंने ऑल आउट किया, तो यहाँ पर इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साउथ अफ्रीका के, जहाँ पे कि साउथ अफ्रीका का क्या प्लेइंग इलेवन है या इसकी टीम क्या है। फॉफ डु प्लेसी को वह कैप्टन का है इसमें और इसमें जो नया प्लेयर है वह क्लोकटे हैं, जूनियर डाला बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बॉलर हैं ये, क्विंटन डिकॉक है, जेपी डुमनी है, रॉबरी फ्लिंकिक है, इमरान ताहिर है, जोंकर है, खलासन है, डेविड मिलर है, लुंगी नगीडी है, डैनियल पैटरसन है, फ्लेंको है, तैवरी शमशी है और रुसीवे डसन, जो कि बहुत अच्छे एक ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं। और डीकॉक और डेव मिलर को बैक किया गया है T20 में, इनको बैक किया गया है। रेजा हेंड्रिक्स इज फोर T20 स्क्वाड में नहीं है, वो उनको सेलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि उनका प्रदर्शन भी इतना खास नहीं रखा। और जो उनके स्टार प्लेयर्स रखे हुए सर वाला उनको रेस्ट दिया गया है इस सीरीज़ के लिए और ये आज नहीं खेलेंगे, मेन इसका है इन्फॉर्मेशन कि ये आज नहीं खेलेंगे। तो लुक लाइक इसमें से खलासन और डसन को चांस दिया जाता है और खलासन के हायर चांस हैं क्या क्योंकि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है ओडीआई में, जाने कि वो अपने परफॉर्म में भी आ रहे हैं अब। तो चलिए दोस्तों इसमें टीम्स बनाते हैं हम, तो जब मैं पूरी इन्फॉर्मेशन है आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जितना हो सके शेयर कीजिए। और कल की बात है, कल का हर एक में अच्छी लीग हमने विन किया है, कबड्डी में भी हमने मैच विन नहीं की, सॉकर में जो मैंने फुटबॉल की टीम दी थी उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई अपडेट आने के कारण वो मैं मैच वहाँ पे हम कोलैप्स हो गए, वहाँ पे हम नहीं खेल पाए, वहाँ पे हम हार गए। तो अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा क्योंकि अपडेट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है क्योंकि वो एक फर्स्ट मैच था उस मेजर से सॉकर लीग का, जिस कारण से हम वहाँ पे रह गए। तो चलिए दोस्तों हम बनाते हैं टीम इसके लिए। सबसे पहले हम विकेट कीपर सेक्शन में हमारा जो अच्छा प्लेयर है वो डीकॉक, क्योंकि ये कभी भी चल सकते हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे हमारे इसमें क्विंटन डीकॉक को लेंगे। फॉफ डु प्लेसी बहुत अच्छे प्लेयर हैं और ये अच्छे फॉर्म में, और रंडन वे डसन को जो कि बहुत एक अच्छे प्लेयर हैं इनको मौका मिल सकता है आज। सुलेमान मीर और चिकुम्बा, तो इनके साथ आप जा सकते हैं, अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो मस्कज़ादा ले सकते हैं, और ऑलराउंडर सेक्शन में ये फ्लंको को ले सकते हैं आप और सैन विलियमसन को ले सकते हैं। तो ये रहे आपके ऑलराउंडर सेक्शन में। और बॉलिंग सेक्शन में आप ले सकते हैं जूनियर डाला, इमरान ताहिर को भी ले सकते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद ये रेस्ट पे जा सकते हैं, लुंगी नगीडी हो गया, जूनियर डाला हो गए, तहवीर शमशी को मिल सकता है मौका इसमें, आप इमरान ताहिर को अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसको, तो इसके साथ आप ले सकते हैं पी मफोफू को जो कि एक अच्छे बॉलर हैं। तो इसी प्रकार से आप अपनी टीम को ले सकते हैं यहाँ पे। और कैप्टन के सेक्शन में अगर आप जानना चाहें तो ये एक 2020 मैच है, फिलंको को अच्छा है लेकिन आप इसमें डुप्लेसी को ले सकते हैं और क्विंटन डीकॉक को आप वाइस कैप्टन, अगर इनको नहीं लेना है तो आप तहरीब शमशी के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी मान के चले तो यहाँ पर क्विंटन डीकॉक को वाइस कैप्टन ले सकते हैं।
तो ये टीम है हमारी स्मॉली के लिए। सेकंड वन में आपको एक और टीम यहाँ पे बना कर देता हूँ इसके लिए, अगर ये आपकी टीम ना वर्क करे तो ये टीम आपकी चल सकती है यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको सब कुछ सेम टीम होगी, सिर्फ एक दो चेंजेस होंगे इस टीम्स में। जैसे ये क्यूटन डिकॉक हो गया, ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में मैच चल रहे हैं तो ये बहुत अच्छा की है कि जो चल सकता है। और इसमें आ गया फॉप डुप्लेसी, माफ़ कीजिएगा, फॉप डुप्लेसी आ गया, जिनको आपने रखना है। सुलेमान मीर, हैंनरिक खलास, इनको आप मौका दे सकते हैं क्योंकि इनको भी अभी तक 50% बंदे ले चुके हैं, यानी कि चांसेस इनके खेलने के हैं। डेविड मिलर को भी ले सकते हैं क्योंकि पिछले समय से T20 में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जिन पर डुबली को ले सकते हैं जो कि कैप्टन थे हमारे ODI सेक्शन के यहाँ पे, और एंड्रू फ्लंको को ले सकते हैं, सेन विलियमसन को ले सकते हैं। अगर आप इनमें से नहीं रखें, सेन विलियमसन में इसको बहुत ज़्यादा वनडे में भी कुछ अच्छा खास प्रदर्शन नहीं किया उन्होंने, तो ऑलराउंडर अगर T20 की बात करें तो इमरान ताहिर बहुत अच्छे हैं। चतारा को ले सकते हैं आप यहाँ पे, और जार्विस को ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप टीम को बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई हो सके तो जूनियर डाला या उसमें से ताहिर को मिस करके नगेडी को ले सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लूँगा मफू को। तो यहाँ पे मैं चार बॉलर और चार बैट्समैन के साथ जाऊँगा, एक विकेट कीपर और टू ऑलराउंडर के साथ जाऊँगा, ठीक है। तो टीम की बात करें तो उसमें ये आप कैप्टन जो मैं रखूँगा इसके लिए, ये GL की टीम में आपको दे रहा हूँ, उसके लिए हैंनरिक क्लासन को आप कैप्टन ले सकते हैं, लेकिन चांसेस हैं, लेकिन ये रिस्क भी हो सकता है। अगर आप नहीं जाना चाहते तो डेविड मिलर के साथ जाना चाहते हैं तो उनके साथ जा सकते हैं। अगर फिर भी नहीं, अगर आप मान सकते हैं इसके लिए कि अगर डेविड मिलर के साथ जाना चाहते हैं तो डुमनी के साथ आप तो ज़रूर जाइए। डुमनी को वाइस कैप्टन ले लीजिए यहाँ पर आप, और फिलांको भी अच्छी हिटिंग करते हैं तो क्विंटन डिकॉक को कैप्टन ले लीजिए। तो ये टीम हमारी रही इसके लिए GL के लिए, जिसके साथ आप जा सकते हैं और विनिंग के चांसेस आपके यहाँ पर हो सकते हैं। कल मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि जिनको कोई टीम में कोई दिक्कत आ रही थी, उन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझे किया लिखा कि आपकी टीम ऐसे मिसिंग प्लेयर हैं, तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज चाहता हूं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसकी अपडेट नहीं आई थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप कबड्डी के लगाते तो मैंने उसमें स्मॉल एक सभी पिन किए हैं, तो उसके मैं स्क्रीन शॉट आपको सेंड करूँगा। तो कबड्डी और क्रिकेट में मैंने जैसे आपको कहा था कि दो दिन मुझे टाइम नहीं लगा, जिसके कारण से मैंने हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी टीम बनाई है। तो रात का 7 में ये सिस्टम था कि 6 बजे इसकी लास्ट टाइम था सुबह मॉर्निंग में सोकर्स का, तो मैंने सुबह से जागा हुआ था लेकिन अपडेट नहीं मिलने के कारण, जिसके कारण से मैंने वही टीम रखी और इतना कुछ पता नहीं लग सकता। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप स्मॉल लीग्स और ग्रैंड लीग में से एक एक टीम लगा लीजिए। तो मैच के बाद स्क्रीन शॉट भेजना मत भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।